gue pas sumpah ada yang bisa nyantain gak pernah aja. चरका भली एक दिन ये हम कह रहे हैं शराब का ये होता है ना एक वो है कि आप दारू पी के सार्वजनिक जगह पे वरना फिर उचित आएगा भगवान सबको पूरा खर्चे होगी और वो होगा तो वो चिल्लाता इसलिए मैं सुझाव देता हूँ मिनिमम आपको आप अपने हैं इसलिए वरना आप जितने जिसने कम से कम आपको मिला देखो अपनी ये उसमें गुलभजन की बात है वो चिल्लाएगा तो मेरी दे दो तुम मैं उसे दे दूँगा बदल दो ये क्योंकि उसकी मैं सुनता नहीं हूँ वो भी हेड है मैं देख रहा हूँ मैं उसकी बस सुनूंगा ये मैं उसे ही बोल दूँगा गुलबदन ठीक है नहीं था हम इतना हमारा दोस्त था कि हम दारू पी अपनी लेटे थे तखत पे और जिन लोगों ने झगड़ा किया वो भाग गए हमसे कोई लेना देना नहीं था ना हम उठ के गए पुलिस के पास ना किसी हरजीत के पास गए ना किसी के पास गए और उन्होंने बिला बजा हमको पकड़ लिया थाने ले गई और बेहुदा बदतमीजी की हमारे साथ फिर लालू ने हमको छुड़वाया वहां से इस फर्जी तरीके से उठा लाई थी जिनका नाम कौशलेंद्र सिंह है वो ग्राम बजुआ के रहने वाले हैं फिर उस जगह से हमें फोन किया फिर मैं थाने गया तो वहाँ तैनात दरोगा जी सुशील बिश्नोई जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है मुझे टारगेट पूरा करना है मुझे तो मुकदमा जरूर लिखना है इनके ऊपर नहीं तो टारगेट नहीं पूरा होगा तो हमने उनके ऊपर ज्यादा कहा हमने कहा हमारे रिश्तेदार हैं इनकी ज्यादा मतलब हम लोग जो है कभी ऐसा वैसा काम नहीं करते हैं पर मुकदमा ना लिखा जाए तो बताई अनुज से बात कर लो कुलदीप से बात कर लो तो पहले दिन जो है 2500 रुपये लेकर इन्हें छोड़ दिया दोबारा दूसरे दिन लेने गए मोटरसाइकिल तो 1500 रुपये लेकर दोबारा मोटरसाइकिल छोड़ी 2500 रुपये अनुज कुमार कांस्टेबल ने लिए 1500 रुपये जो है कुलदीप सिंह ने लिए मोटरसाइकिल छोड़ने के और 2500 रुपये लिए अनुज ने व्यक्ति को छोड़ने के मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चाहता हूँ जो दोबारा रिश्वत लेने का दुस्साहस न करें।